सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वन प्लस की तरफ से लॉन्च होने वाले इस साल के लास्ट फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन की। ये 5G स्मार्टफोन होगा वन प्लस 10T। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा वन प्लस की तरफ से, और इस साल का लास्ट फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन होने वाला है वन प्लस 10T। सो गाइस, यदि बात की जाए वन प्लस 10 अल्ट्रा स्मार्टफोन की, तो इस साल इस फोन को लॉन्च नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा। इस साल का लास्ट फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन होगा वन प्लस 10T 5G स्मार्टफोन। इस फोन के अंदर आपको काफी तकड़े स्पेसिफिकेशन एंड फीचर देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वन प्लस 10T 5G स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग की, और ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात शेयर करेंगे, हमारे चैनल टेक एक पल ने अपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं आपकी सपोर्ट से। सो गाइस, इसी प्रकार से अपनी सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और वीडियो की शुरुआत करेंगे वन प्लस 10T 5G स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी में आपको फुल्ली ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा, बैक में आपको ग्लास मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन मिल जाएगी आपको बैक में। फ्रंट में भी आपको ग्लास मिलेगा और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन मिलने वाली है, एंड मिडिल का जो फ्रेम होगा वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होगा। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आएगी। डिज़ाइन आपको सिमिलर देखने को मिलेगा वन प्लस 10 प्रो 5G स्मार्टफोन की तरह। यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको 6.7 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी 2K रिजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर 120Hz का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, और डिस्प्ले देखने को मिलेगी LTPO 2.0 वर्जन, वो भी फ्लड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले के कलर काफ़ी शार्प होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 10-bit कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। व्यू एंगल काफ़ी कमाल के होने वाले हैं, जबरदस्त होंगे, व्यू एंगल में कोई शिकायत नहीं आने वाली। ऑनलाइन कंटेंट वॉच करने, गेम खेलने एंड वीडियो एडिटिंग करने के मामले में आपको इस डिस्प्ले से बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। आउटडोर इंडोर काफ़ी अच्छा वर्क करने वाली है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, और वाइड बैंड L1 की सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली, तो यहाँ से आप बेफिक्र रहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस आपको पावरफुल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जनरेशन 1 वाली चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि बनी हुई होगी 4nm फैब्रिकेशन पर। हीटिंग इशू होगा तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है हीटिंग इशू को कम करने के लिए। CPU परफॉर्मेंस की बात करें तो CPU परफॉर्मेंस भी आपको पावरफुल मिलने वाली है, 64-bit वाली ऑक्टा कोर होगी, और यहाँ पर 3.0GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ। तो CPU परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया मिलने वाली है, गेमिंग आप पावरफुल कर पाएंगे, गेमिंग में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। गेमिंग को संभालने के लिए Adreno 730 का यहाँ पर GPU देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट स्मूथ रेंडिंग के साथ आएगा, तो गेमिंग में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी, ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन में मेन कैमरे की। तो 3 कैमरे की हाउसिंग मिलेगी आपको बैक में, 50MP का मेन कैमरा और OIS की सपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। सोनी का सेंसर मिल जाएगा आपको, IMX866 सेंसर और Hasselblad की ब्रांडिंग के साथ, एंड 16MP का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का यहाँ पर मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। 8K एंड 4K रेजोल्यूशन में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps, 60fps और 120fps पर। वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो पंच होल के साथ आपको 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 1080px पर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ओवरऑल कैमरे से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलने वाली। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन में बैटरी डिपार्टमेंट की। तो लीक्स के अनुसार यहाँ पर 4800mAh की बैटरी प्लस 150W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। थर्ड, फोन को चार्ज करने के लिए आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलने वाला है, LPDDR5 वर्जन वाला रैम टाइप और UFS 3.1 वर्जन वाला स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी। आउटो बॉक्स आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 और कलर OS 13 वर्जन देखने को मिल सकता है, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिलेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ भी होने वाला है IP रेटिंग 68 के साथ। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के अंदर जैक की। तो जैक देखने को नहीं मिलने वाला। ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट में आएगा, 8GB 128GB, 8GB 256GB एंड 12GB 256GB। फोन में ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे हाई रेजिस्टेंट ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ। फोन में सिम स्लॉट की बात करें तो डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला। सो गाइस, लीक के अनुसार इस फोन के अंदर आपको एक ही कमी देखने को मिलेगी, कि इस फोन के अंदर आपको नो अलर्ट स्लाइडर देख
देखने को नहीं मिलने वाला, तो इसका ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। सो गाइज अब बात करते हैं फ़ोन के प्राइसिंग की। तो जिस प्रकार के स्पेसिफिकेशन है ये स्मार्टफोन अंडर 45,000 ही देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। सो गाइज अब बात करते हैं एक बार फिर लॉन्चिंग डेट की। तो ये स्मार्टफोन जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा वन प्लस की तरफ से। सो गाइज ये थे वन प्लस 10T 5G स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।